मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ और मजा आ गया। तो मेरे राइट साइड में है कृष्णा कॉटेज, जो मूवी का शूट हुआ था यहाँ पे। कहाँ से राजा साहब? हम चंडीगढ़ से। अच्छे गांव से? अच्छे गांव। थोड़ा अपने पूरे जीवन में कभी बैठता नहीं है, हमेशा खड़ा ही रहता है। गाइज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो मड हाउस है, जो बहुत ही फेमस है मड हाउस। मेरे साथ है एक स्पेशल गेस्ट, आपको मिलवाता हूँ। ये देखिए, कहाँ से है बेटा? हाँ तो दस्ताना भी खा गए। ये क्या चीज है अंदर? ये खैरन है। अंदर अंदर मैं पहुंच चुका हूँ पहलगांव में, और इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, आप देख सकते हैं। मैं दूसरी तरफ से दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये है यहाँ का रेट लिस्ट ऑफ साइट सीन। यहाँ पे टोटल 7 साइट सीन है, 8 कश्मीर वैली, दबियान, बाईसरन, डिनो वैली वाटरफॉल और कनिमर, बैलगांव वैली और टुलियान लेक। तो इनमें से हम जो कवर कर रहे हैं, कश्मीर वैली, दबियान, बाईसरन, डिनो वैली, कनिमर्ग और पहलगाम वैली। बाकी लेक में पानी अभी नहीं है और पानी का वाटर फ्लो जो है वो कम है, और टनियान लेक में भी पानी का फ्लो कम है। यहाँ पे जो रेट लिस्ट है, इसके अकॉर्डिंगली आपको हॉर्सेस रेंट पे लेने पड़ते हैं। 1 हॉर्सेस का ये रेट लिखे हैं, बट इसके बाद भी आप इनसे नेगोशिएट कर सकते हैं। मेरा जो रेट बन रहा था 6000 बन रहा था 4 से 5 लोकेशंस का, मैंने 2500 रुपये में इसको कंप्लीट डन किया, डील डन किया है। अब मुझे यहाँ पे लेने पड़ेंगे बूट्स जो स्नो में चलते हैं, उसका 100 रुपीज़ अलग से लगेगा। तो अभी चलते हैं कि करके लोकेशंस वैलीज कवर करते हैं। सबसे पहले कश्मीर वैली, फिर डबियान और फिर बाईसरन। कैमरा कौन सा यूज़ करते हो? निकॉन का सर। निकॉन का? अनलिमिटेड फोटो कितने में दोगे? 100-150 फोटो? आपको 3500 में देंगे। नहीं तो आपको बारह नहीं खाएगा आपको। तो गाइज मैंने पहलगांव से ले लिया है हॉर्स राइड, और यहाँ से हम जा रहे हैं दबियान, उसके बाद कश्मीर वैली। नहीं नहीं पूरा, हाँ, पूरा कंप्लीट करने में हमें लग जाएगा 1-1.5 घंटा। आने जाने 2 घंटा लगेगा। हाँ कैसा राइड? कैसा खुश हो गया? घोड़ा खुद ही चलता रहेगा? ट्रेन किया हुआ, पहली बार मैं बिना किसी बंदे के घोड़ा चला रहा हूँ। ये फोटोग्राफर पीछे पड़ जाते हैं। कहाँ से राजा साहब? हम चंडीगढ़ से। अच्छे गांव से आए? अच्छा गांव, बहुत अच्छे लोग होते हैं वहाँ। लोग तो पूरे इंडिया के अच्छे हैं, इंडिया का लेकिन नजरिए की बात है। जैसे बम्बई वाले अच्छे हैं, जैसे साउथ वाले अच्छे हैं, जैसे। तो गाइस आप मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं पूरा स्नो ही स्नो, और इसीलिए कश्मीर को जन्नत कश्मीर कहा जाता है। गेम खेल रहे हो? वीडियो बन गई तुम्हारी अब? या हबीबी, जो जगह का नाम है डबियंस है। अच्छा। जो कश्मीर का राजा था महाराजा हरि सिंह। हरि सिंह? हाँ, वो पुराने जमाने पे यहाँ पे शिकार खेलने आता था। ठीक है। एक्चुअली क्या, हिरन जो है वो पानी पी रहा था। हाँ। शेर ने उसका गला दबाया, हरि सिंह ने तीर मारा था, दोनों मर गए। अच्छा। इसलिए जगह का नाम पड़ गया डबियन। डबियन बोलता है कश्मीर में डबल शिकार को, डबल हंटिंग पुलिस। अच्छा, डबियन जी सर, डबल शिकार जी सर। अब हम जा रहे हैं जी कश्मीर वैली, और आप ये देख सकते हैं इतना टफ रास्ता है। कश्मीर वैली जा रहे हैं यहाँ से, पहली लोकेशन है डबियान, सेकंड लोकेशन है कश्मीर वैली। कैसा रहा? ठीक रहा? तो अभी मैं हूँ कश्मीर वैली में, ये है वाटरफॉल। अब आज पानी कम है, कम है क्या? बिल्कुल है ही नहीं, पूरा बर्फ जम गया है। और पूरा बर्फ जम गया है, और पहाड़ी घोड़ा पानी पी रहा है। देखिए हमारा घोड़ा भी प्यास लग रही है भैया, क्या बात है। तो ये है पहाड़ी घोड़ा, इसका नाम है कुछ? हाँ सर। क्या नाम है? राजा। राजा। इसका नाम है राजा, और हम भी हैं चंडीगढ़ के राजा। ठीक है जी। तो ये है वाटरफॉल जी, ये सूख चुका है अभी, सूख नहीं चुका मतलब बहुत पानी कम है, मतलब जम चुका है। तो नेक्स्ट लोकेशन है जी दुनू वैली, कश्मीर वैली से होते हुए, और मैं बैठा हूँ अभी पहाड़ी घोड़े के ऊपर जिसका नाम है राजा। और आप लोकेशन देख सकते हो कि इस लोकेशन का कोई कंपैरिजन नहीं है गाइस। वाव, अमेजिंग। अगर आप कश्मीर आने की सोच रहे हैं तो
यू मस्ट ट्राई हॉर्स राइडिंग इन पहलगांव। मिनी स्विट्जरलैंड है यहाँ। अभी मिनी स्विट्जरलैंड में जाना है, ऊपर है। तो मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ और मज़ा आ गया। ठंड तो बहुत है लेकिन क्या करें, कम वक्त गोप्रो चलाना है, कैमरा चलाना है, तो ग्लव्स नहीं पहने इसलिए मैंने। आगे कुछ कावा कुवा पिया जाए। भैया कावा वगैरह मिलेगा आगे इतनी ऊंचाई पे? तो मिनी स्विट्जरलैंड लास्ट पॉइंट है, वहाँ पे कश्मीरी कावा पियेंगे। तो मेरे राइट साइड में है देवदार के पेड़, मनाली के ब्लॉग में भी मैंने बताया था। तो मैं पहुँच गया हूँ दून वैली में और आप मेरे साथ। ये लेफ्ट साइड में जो पेड़ देख रहे हैं, ये सारे देवदार के पेड़ हैं और इनकी लकड़ी बोर्ड हाउस में भी यूज होती है। और हमारा घोड़ा यहाँ पे थक भी चुका है, तो आगे चलते हैं। चलें भैया। तो घोड़े के बारे में आपको एक खास बात बता देता हूँ कि घोड़ा अपने पूरे जीवन में कभी बैठता नहीं है, हमेशा खड़ा ही रहता है। मतलब अगर उसको सोना होता है तो तब भी वो खड़ा ही रहता है। तो मतलब ये हैं जो अभी राजा जी हमारे घोड़ा हैं, घोड़े साहब, ये सारी उम्र खड़े ही रहेंगे, कभी बैठेंगे नहीं। और मेरे लेफ्ट में हैं देवदार के पेड़। इनके बारे में भी एक खास बात यह है कि ये बहुत लंबे होते हैं और ये ठंडे इलाकों में मिलते हैं और इनकी लकड़ भी बहुत काम आती है। पानी में ये लकड़ खराब नहीं होती। तो जो बोट हाउस आपको मैंने दिखाया था पिछली वीडियो में, उसके जो बोट हाउस बनते हैं वो इसी लकड़ के होते हैं, है ना भैया? तो ये पानी में खराब नहीं होती ना लकड़, ये पूरी लाइफ पानी में खराब नहीं होती लकड़। तो भगवान ने जो बनाया है सोच समझ के बनाया भैया, जो भी बनाया जबरदस्त। यहाँ के लोगों का जो एकमात्र इनकम सोर्स है वो टूरिस्ट पे डिपेंड है। तो हम पहुँच चुके हैं जी बायसरन में, इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। और इसकी मार्केट में जाने के लिए आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी, 30 रुपये की टिकट है यहाँ से। और अंदर कुछ खाने पीने का भी अरेंजमेंट है, देखते हैं, चलते हैं। भैया एक टिकट दे, 30 रुपये की। क्या हुआ? मेरा कावा था। मिनी स्विट्जरलैंड में कावे का मजा ले रहे हैं जी, ताकि थोड़ी सी गर्मी आए, क्योंकि यहाँ चारों तरफ बर्फ ही है, आप देख सकते हैं। और मैं सेक रहा हूँ आग, ये बाहर के लिए, ये अंदर के लिए कश्मीरी कावा पे है आग। इसको सेक सकते हैं गाइस आप। कुछ लोग यहाँ भी है और यहाँ पे रखा हुआ है खाना पीने का आइटम्स। मैगी खा सकते हैं आप, पुलाव ले सकते हैं, आलू पराठा, जीरा राइस, दाल राइस, कावा और ये सब। और ये भी एक दुकान है, ये भी एक दुकान है यहाँ पे। कुछ लोग सामान बेच रहे हैं। तो गाइज ये जो बर्फ है, मास्क हटा देता हूँ, यहाँ तो कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी मेरे को। तो मेरे आस पास आप देख सकते हैं स्नो ही स्नो, बर्फ ही बर्फ। और ये जो बर्फ है पूरी एकदम वाइट, प्योर वाइट बर्फ। और वहाँ पे आपने देखा कुछ लोग आग सेक रहे हैं, दुकान खाने पीने की दुकानें हैं। वहाँ से एंट्री गेट हमने एंट्री की थी, 30 रुपये एंट्री के चार्जेस हैं। कुछ लोग इस लोकेशन पे खुद चल के आते हैं नीचे से, 2-3 लोकेशंस क्रॉस करके जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की थी, तो वहाँ से पैदल आते हैं। बट हमने हॉर्स राइड चूज़ की बिकॉज बहुत लंबा सफ़र है और टाइम की शॉर्टेज है। टाइम वैसे ही 3 बज चुके हैं, 3:30, और 1 घंटा वापस जाने में लगेगा। तो वापस नीचे जाने के लिए 1 घंटा में लगने वाला है अभी। और तो फटाफट इस लोकेशन पे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है यहाँ पे, और उसके बाद चलते हैं वापस अपने हॉर्स राइडर्स के पास जहाँ पे हम वापस पहुँचेंगे नीचे, ताकि हम वापस अपने डल लेक वाले बोट हाउस में पहुँच सकें। और कल हमारा रहेगा गुलमर्ग लोकेशन। साहब बैठे हैं ठंड में, माइनस टेम्परेचर में, और ये बेच रहे हैं ग्लव्स, सॉक्स और कैप और ये सब। इनकी रोजी रोटी इन्हीं से चलती है, जो टूरिस्ट आते हैं तो ये खरीदते हैं और इनकी रोजी रोटी तब चलती है। ये क्या चीज़ है अंदर? ये खैरन है। अंदर अंदर है? अंदर
ये तो मतलब कपड़ा बनाता है। ये है फेरन, जो यहाँ पे यहाँ का जो फेमस ड्रेस है आप बोल सकते हो फेरन, और इसके अंदर कांगड़ी लेके रखते हैं। कांगड़ी है अंदर, अभी है अंदर सिगड़ी दिखाओ। तो ये है सिगड़ी गाइस, ये है सिगड़ी, कांगड़ी भी बोलते हैं ना इसको, कांगड़ी भी बोलते हैं। और फेरन ये जो इन्होंने भाई साहब ने पहना है, यहाँ पे जितने भी आपको लोग लोकलाइज्ड दिखेंगे सब लोग यही पहन के रखते हैं। दिस इज कॉल्ड फेरन एंड दिस इज कॉल्ड कांगड़ी। और ये अंगीठी टाइप होती है एक छोटी, जैसे ये देखिए अंगीठी टाइप होती है, इसमें आग जल रही है, दो चार कोले पड़े हैं, और ये इसको अंदर रखते हैं ताकि इस ठंड से बच सकें, बर्फ से टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें, अपने बॉडी को जिंदा रख सकें। तो थैंक यू सो मच, आपने इंफॉर्मेशन दी, थैंक यू। और ये देखिए यहाँ पे बर्फ, काफ़ी बर्फ है यहाँ। कुछ दुकानें इधर भी हैं, कुछ कपड़े वगैरह बेच रहे हैं, और बाकी कुछ नहीं है। बाकी टेम्परेचर और ज़्यादा ठंडा होता जा रहा है। अभी यहाँ का टेम्परेचर मैं दिखाता हूँ आपको, शायद लोकेशन अगर चल पड़े मेरी, ये लोकेशन अभी अपडेट नहीं हो रही है। तो अभी गाइस मैं फ़ोटो खिंचवा रहा हूँ, तो अभी गाइस मैं आपको कुछ बर्फ का बना के दिखा देता हूँ फटाफट। तो गाइस मेरे साथ है एक स्पेशल गेस्ट, आपको मिलवाता हूँ। ये देखिए राजू जी, ये है राजू जी, और राजू जी के जो मालिक हैं उनसे भी आपको मिलवाते हैं। ये देखिए इनके पास एक और है, इसका नाम क्या है? इसका नाम काकू। इसका काकू है, ये राजू है। ये लो जी, काकू और राजू दोनों मेरे ऊपर सवार। तो जब भी आप यहाँ बाई सरन आए, यानी मिनी स्विट्ज़रलैंड में आए, तो ये इसके साथ आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, पैसे इनको आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से दे सकते हैं। ओके गाइस मिलते हैं आगे। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? कहाँ से आए बेटा? कहाँ से आए हो? तुम बताओ। और वो आप क्यों नहीं बताओगे? बताओ बताओ जल्दी, वीडियो बन रही है आपकी। आप तो दस्ताना नहीं खा गए हैं? बताओ बेटा कहाँ से है आप? मैं को नहीं मालूम। मेरे को नहीं पता। ये बड़ा है इसमें कलर भर। दांत दिखाओ। ठीक है बेबी। ये देखो। कितना सारा खा गया। कावा और मैगी खाने के बाद हम निकल चुके हैं वापस अपनी लोकेशन के लिए। रास्ते में आएगा कैनमर्ग और बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस, उनकी हम आपको साइट सीन कराते रहेंगे। ये वीडियो आपको कश्मीर आने के लिए प्रेरित कर सकती है, तो आप ज़रूर आएँ, और यहाँ के लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन बने। उन लोगों का रोजी रोटी भी आप लोगों की वजह से ही चलती है। आप घूमने आते हैं टूरिस्ट, तो कुछ और टूरिस्ट नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए। क्या कॉल? गाइस मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो मड हाउस है, जो बहुत ही फेमस है। मड हाउस सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते हैं। ये है मिट्टी के घर, तो ये है मिट्टी के घर, इनको मड हाउस बोलते हैं। यहाँ पे लोगों ने ऐसे पानी के व्यवस्था की हुई है, स्टोर किया हुआ है पानी, और यहाँ पे लकड़ियाँ रखी हुई हैं ताकि वो अपना खाना बना सके। लाइट की भी यहाँ पे फैसिलिटी है। आज आज अंदर है, वीडियो बना ले। हाँ, आज जो तो ये है मड हाउस, जो मिट्टी के बने होते हैं और सर्दियों में गर्म और गर्मियों में
ठंडे रहते हैं, ऐसा। तो यहाँ पे एक प्यारी सी गुड़िया हमें मिली है जिनका एक घर है, तो वो कुछ मड हाउस के बारे में और अपने बारे में बताएंगी। ये आपने कब बनाए थे? मतलब दो साल पुराना, बहुत पुराना। हाँ, अच्छा, तो इसमें बारिश वगैरह आती है? पानी तो नहीं आता? नहीं, पानी। अच्छा, तो यहाँ पे बारिश वगैरह आती है तो इसमें पानी नहीं आता और गर्म रहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे लाइट की भी व्यवस्था है? ठीक है, लाइट की भी। 40 साल पुराना है ये। अच्छा, चाचा जी आए हैं तो इनसे पूछते हैं। 40 साल पुराना है जी? 40 साल। अच्छा, तो ये जमीन आपकी है? नहीं, ये ये सरकार की है। अच्छा, ये सरकार की जमीन है, ठीक है। तो ये जो खरगोश है ये पाले हुए आपने? हाँ जी। तो आप मतलब कमाते कैसे हैं फिर? इसे खरगोशों को कमाते। खरगोशों? हाँ जी। अच्छा, तो खरगोश से फोटो खिंचवा के ऐसे? अच्छा, तो मतलब जो टूरिस्ट आते हैं उनको देते हैं फिर? एक 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 खरगोश की फोटो खिंचाने का कितना? 10-20 रुपए। अच्छा, 10-20 रुपए। तो कितने खरगोश होंगे ऐसे आपके पास? तीन बस। और इसके अलावा यही एक साधन है आपके पास? और जब टूरिस्ट वगैरह नहीं आते तो बैठ के आराम करो? अच्छा, फिर रोजी रोटी कैसे चलती? फिर मुश्किल होते हैं वो, पर भगवान ही जाने क्या हो रहा है। अच्छा, अभी तो लॉकडाउन शुरू है। लॉकडाउन की वजह से लॉकडाउन ही खत्म होते हैं। तो गाइस, ये जो श्रीनगर है, कश्मीर है, ये पूरी तरह टूरिस्ट पे डिपेंड है। तो जितने टूरिस्ट आएंगे उतना अच्छा है, उतना अच्छा यहाँ पे सब लोगों के रोजी रोटी चलती है। हम टूरिस्ट अगर आते हैं तो इनकी वजह से सारे लोग एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। अगर ये भी ना होगा, लॉकडाउन पूरा हो जाएगा इधर, अगर लॉकडाउन अगर यहाँ भूखे प्यासे मरेंगे कौन देखेगा? चावल तो 5 किलो फ्री मिलता है, उससे क्या? अच्छा, ये तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू। चल रहा है वीडियो? ऑफ कर दो। ठीक है, तो अभी मैं कर रहा हूँ सेल्फ हॉर्स राइडिंग और मैं पहुँच गया हूँ सिरपार गांव में। पहुँच चुके हैं, बस 15-20 मिनट में हम वापस अपनी लोकेशन में पहुँच जाएंगे। इस लोकेशन से हम आए थे। घोड़ा हमारा ट्रेंड है, इसको सब पता है कहाँ जाना है। चलो राजा। राइट साइड में आप देख सकते हैं रॉयल हिल्टन होटल है, और लेफ्ट साइड में है होटल नटराज। तो अगर आप यहाँ पे रुकना चाहें तो यहाँ भी रुक सकते हैं, होटल रॉयल हिल्टन। इसका मतलब रुकना होता है? रुक तो रहा नहीं। अच्छा, तो वहाँ गाइज आप देख सकते हैं होटल हिल टॉप। तो मेरे राइट साइड में है कृष्णा कॉटेज, जो मूवी का शूट हुआ था यहाँ पे। आपने कृष्णा कॉटेज मूवी देखी होगी, तो वो यहाँ शूट हुआ था कृष्णा कॉटेज में। तो ये एरिया बड़ा ही बेहतरीन साइट सीन है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये इलाका, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। इसीलिए कश्मीर को जन्नत कश्मीर कहा जाता है। पहलगाम में बहुत सारे होटल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी दिखाया था। तो आप अगर श्रीनगर से डायरेक्ट पहलगाम आते हैं तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं, या फिर एक ही दिन में साइट सीन, हॉर्स राइडिंग वगैरह करके, एक्टिविटी करके वापस भी जा सकते हैं। हम तो वापस जा रहे हैं बिकॉज हमारा जो बोट हाउस है वो श्रीनगर में ही है, हमें जाने में ही फ़ायदा है क्योंकि हमारा होटल वहाँ है। तो अगर आप यहाँ रुकना चाहें यहाँ रुक सकते हैं, और नेक्स्ट डे फिर यहाँ से चेकआउट करके दूसरी लोकेशन घूम सकते हैं, या एक दो दिन और आप रुकना चाहें यहाँ रुक सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करते हैं। तो हम ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ से हमने अपनी राइड शुरू की थी। हम वापस उसी लोकेशन में पहुँच चुके हैं। अब हम यहाँ से वापस टैक्सी लेंगे
और टैक्सी से जाएंगे वापस डल लेक बोट हाउस जहाँ हम रुके हुए हैं। तो गाइज हम वापस आ चुके हैं सारी एक्टिविटी करके, राइड्स करके, हॉर्स राइड करके। तो हॉर्स राइड बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, यू मस्ट ट्राई, एक बार ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए। ऊपर आपको मिनी स्विट्ज़रलैंड दिखाया मैंने, ठीक है। और वापस हम आ चुके हैं, यहाँ से 48 किलोमीटर दूर ऊपर अमरनाथ है। यहाँ से जो अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है यहीं से होती है, और ये लेदर नदी है, ये अमरनाथ के आधे रास्ते से ही आ रही है। शेषनाग नदी बोलते हैं इसको, शेषनाग नदी, हाँ, ठीक है। तो शेषनाग नदी है ये, और ये समर में इसमें बहुत पानी होता है, मतलब अभी विंटर में कम रहता है, मतलब विंटर में यहाँ पे पानी कम रहता है और गर्मियों में ये फुल ऑन फुल होके चलती है, पूरा पानी रहता है और ट्राउट मछली होता है, ठीक है। तो मैं आपसे रिकमेंड करना चाहूँगा, आप पहलगाम जरूर आएँ, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के ड्राइवर अच्छे हैं, यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन, टैक्सी, घोड़े वाले, जैसे इन साहब का भी घोड़ा था, इनके घोड़े के ऊपर हम राइड करके गए थे। तो सारे जितने भी लोग हैं वेलकम करता है, बहुत अच्छे हैं, और सब लोग यहाँ पे आप लोगों का वेलकम करते हैं, क्योंकि आप ही की वजह से आप लोग टूरिस्ट हो, रोजी रोटी चलता इन लोगों का रोजी रोटी है, क्योंकि ड्राइवर से लेके घोड़ा चलाने वाले से लेके दुकानदारी सारी टूरिस्ट की वजह से चलती है। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी पहलगाम आए तो सारी चीज़ें यूज़ करें और यहाँ पे घूमें, मज़े लें, और मिलते हैं आगे। आगे चलते हैं वापस अपनी बोट हाउस में, और बस अभी के लिए इतना, आगे चलते हैं। थैंक यू। इनका नंबर डाल देंगे ना वीडियो में।